वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयन वी टैम्बर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का फाइवर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए या फिर फ्लैग हो जाए तो वो आपको दोबारा मिल सकता है या नहीं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों का जो अकाउंट है अगर ब्लॉक हो जाए तो वो आप लोगों को दोबारा मिल सकता है या नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस अकाउंट पे $1,000 जो थे वो अर्न किए थे, बट फाइवर ने मेरा ये अकाउंट अंडर रिव्यू लेने के बाद इसे जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक क्यों किया, आई डोंट नो वाई फाइवर ब्लॉक माई अकाउंट, बट फाइवर ने जो है वो मेरा ये अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग मार्च में देख सकते हैं आप लोग अर्निंग मेरी $378। और अगर मैं यहाँ पे मैसेजेस दिखाऊँ आप लोगों को अपने क्लाइंट्स के, तो मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही क्योंकि फाइवर ने जो है मुझे अलाउ नहीं कर रहा। फाइवर ने मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने किसी बायर से बात नहीं कर सकती, ना ही किसी के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो मेरा जो अकाउंट है वो करंटली हो या परमानेंटली हो तो उसे परमानेंटली ही कंसिडर किया जाएगा। फाइवर आपको अकाउंट कभी भी नहीं देता, ना ही अपने डिसीजन को कभी रीडन करता है या अनडन करता है, ठीक है, अनडू करता है सिंपल अल्फाज में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे अपने क्लाइंट से इतनी ज़्यादा जो कि मैसेजेस हुए हैं काम से रिलेटेड, बट यहाँ पे मैं किसी से भी नहीं बात कर पाऊँगी क्योंकि जो है वो फाइवर ने मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया है। मुझे बहुत शौक हुई मैं जब मेरा अकाउंट फाइवर ने ब्लॉक किया, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि फाइवर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फाइवर मेरा अकाउंट ब्लॉक करेगा क्योंकि यही रियल सोर्स ऑफ अर्निंग था मेरे लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइवर ने जो है मेरा अकाउंट ब्लॉक किया, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, ना ही अपने किसी क्लाइंट को बता सकती हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, आप लोग मुझसे दोबारा मेरे न्यू अकाउंट पे आप लोग ऑर्डर प्लेस करें। बहुत बड़ा ये झटका होता है हर सेलर को, क्योंकि किसी से हम रابطہ नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात ये होती है हम किसी से रابطہ नहीं कर पाते, ऊपर से हमारी हर गिग जो है वो भी डिनाइड कर दी जाती है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को गिग्स वगैरह दिखाऊँ, आप अगर मेरे क्लाइंट्स की किसी की भी चैट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास कोई क्लाइंट आए थे, इन्होंने कोई पोस्ट पे कुछ कमेंट्स करवाने थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्लाइंट के मैसेजेस का जवाब देना होता है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक्स फॉर योर मैसेज। ये रिप्लाई आप लोगों ने लास्ट में करनी होती है, ठीक है। जब आप लोगों का अकाउंट पे कोई न्यू मैसेज आता है किसी बायर का, तो उसके इंट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के मैसेज लाजमी करना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल बात भी तभी लगती है अगर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में मैनेज करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी 5-स्टार रेटिंग रही है हर जगह पे, बट फाइवर ने मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया है, और आई डोंट नो वाई फाइवर ब्लॉक माई अकाउंट, आई डोंट नो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने गिग्स में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो भी आप लोग देखेंगे कि 7 की यहाँ पे मेरी, क्योंकि मैं लेवल 1 की सेलर थी तो मुझे 20 गिग्स अलाउ थी, बट मैंने जस्ट 14 बनाई हुई थी, और फाइवर ने जो है हर एक चीज़ को मेरे लिए डिनाइड और डिसेबल कर दिया है। मैं किसी की चीज़ को दोबारा से रीडन नहीं कर सकती क्योंकि फाइवर का डिसीजन है और उसमें मैं रीचेंज या चेंजिंग नहीं कर सकती। So that's why I want to inform you that about my Fiverr account is now blocked. So बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, हम क्या करें और क्या ना करें। So Fiverr का अकाउंट दोबारा मिल सकता है या नहीं, हमारा टॉपिक ये था, मैं भूल गई थी। So Fiverr का जो अकाउंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, किसी भी सूरत हमें Fiverr का अकाउंट दोबारा से नहीं मिलता। मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया, आप लोग कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, जहां मर्जी जाएं, आप लोगों को फाइवर का अकाउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फाइवर नहीं देता किसी को अकाउंट वापस, और किसी को भी नहीं देता, आज तक हुआ ही नहीं है ऐसे। तो इन्हें अपनी इस पॉलिसी को बेटर करना चाहिए, मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, किसी किसी का तो ये टॉप रेटेड सेलर का अकाउंट तक भी ये लोग डिनाइड कर देते हैं अगर करने पर आए, बट नहीं करना चाहिए, एक बार सेलर की बात सुन लेनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को पता है फाइवर पे अगर 3 वार्निंग्स आ जाए तो हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। 3 वार्निंग्स वो कोई भी आके दे दे, कोई भी हमारे अकाउंट को रिपोर्ट कर दे, तो वो जो होता है हमारा अकाउंट जो है वो फाइवर
डिनाइड कर देता है। मींस के वार्निंग ये होती है कि आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में या टिकटॉक पे कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है हर जगह रिपोर्ट का, तो वो अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो वो जो बुरा इम्पैक्ट जाता है इंस्टाग्राम की टीम पे उस वीडियो के बारे में, तो वो देखते हैं वो कमेंट को। इंस्टाग्राम पे एक पॉलिसी है, हम कमेंट को रिपोर्ट करने के बाद उस कमेंट को भी डिलीट करवा सकते हैं, किसी और के कमेंट को रिपोर्ट करने के बाद किसी और के कमेंट को ही डिलीट करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर फाइवर पे आके आप लोग अगर किसी के अकाउंट को रिपोर्ट कर देते हैं बिना उसकी इजाजत के विदाउट एनी रीजन, तो फाइवर जो है 3 बार अगर कोई किसी उसके बंदे के अकाउंट को ब्लॉक कर दे, सॉरी रिपोर्ट कर दे, तो वो फाइवर जो है वो अकाउंट डिनाइड कर देता है, फ्लैग कर देता है, डिसेबल कर देता है। टेम्परेरी का कोई मसला नहीं है, फाइवर कहता है योर अकाउंट इज करंटली डिसेबल, योर अकाउंट इज परमानेंटली डिसेबल, योर अकाउंट इज टेम्परेरी डिसेबल, तो वो उसका मतलब आप लोगों ने परमानेंटली ही समझना है, क्योंकि वो परमानेंटली ही ब्लॉक होता है, ना कि टेम्परेरी ब्लॉक होता है उसके बाद आपको दे दिया जाता है। नो, आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक होता है, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ आप लोग वो गिग्स बनाया करें जिन्हें फाइवर सपोर्ट करता है। हालांकि मैंने वो ही सारी गिग्स बनाई थी जिन्हें फाइवर सपोर्ट करता है, बट आई डोंट नो व्हाई फाइवर डू दिस स्टेप, आई डोंट नो। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, बट मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी। मीन्स के आप लोगों ने अपने बायर्स के साथ अच्छा बिहेव रखना है, दूसरी बात आप लोगों ने अपने मैसेजेस में व्हाट्सएप का जिक्र नहीं करना, या आउट ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन का जिक्र नहीं करना, कि इंस्टाग्राम पे आए वहाँ पे बात करते हैं या स्काइप पे आए उस पर बात करते हैं। जूम, हाँ जूम मीटिंग का फाइवर सपोर्ट करता है, जूम मीटिंग पे आप लोग ले सकते हैं, बट आई डोंट नो जूम मीटिंग के बारे में भी फाइवर असेस रखता होगा। अगर जूम मीटिंग पे भी हम व्हाट्सएप को मांगे तो फाइवर को पता चल जाता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एफिलिएट मार्केटिंग का दौर है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो यही मैंने इन्फॉर्मेशन जो थी आप लोगों को देनी थी कि फाइवर का अकाउंट अगर हमारा एक बार ब्लॉक हो जाए तो दोबारा मिल सकता है या नहीं, तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, जाने से पहले भी बता देती हूँ, नहीं मिलता नहीं मिलता। सो नेक्स्ट वीडियो तक मेरा वेट करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो है वो इसके अकॉर्डिंग होगी कि फाइवर का अकाउंट वापस हासिल करने के लिए क्या क्या किया जाए। जो जो आप लोगों ने करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी, कि अगर आप लोगों को अपने ऊपर यकीन है कि आप अपना अकाउंट वापस ला सकते हैं, तो जो जो स्टेप्स मैंने खुद किए वही मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।